मुंबई के तर्ज पर अब नागपुर में भी नागपुर रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया। गरीब और जरूरतमंद भूखे लोगों को खाना मिले, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर रोटी बैंक की शुरुआत अब मुंबई के बाद नागपुर में भी हो चुकी है। मंगलवार 7 जनवरी को फाउंडेशन के संचालक पूर्व पुलिस आयुक्त डी शिवानंदन की मौजूदगी में नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय, आईजी केएम प्रसन्ना की मौजूदगी में राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल में इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान गरीब मरीजों को खाने के पैकेट भी वितरित किए गए। इस दौरान हॉस्पिटल के सुप्रोचित दास गुप्ता, डॉक्टर पी के शर्मा, चंद्रकांत देशमुख समेत अन्य डॉक्टर और रोटी बैंक फाउंडेशन की नागपुर की टीम मौजूद थी। यह टीम बड़े बड़े होटलों, बड़े स्कूलों में शादी और कार्यक्रमों में जाएगी और वहां से बचा हुआ अच्छा खाना लेकर उसे गरीबों में बांटेगी। इसके साथ ही कई बार यह एनजीओ अपने पैसों से भी खाना बांटती है। उन्होंने अपना एक नंबर भी जारी किया है जिसके माध्यम से कोई भी फोन करके जरूरतमंद को खाना देने के लिए उनसे कह सकता है। नागपुर में शुरू किए गए रोटी बैंक फाउंडेशन पर पूर्व पुलिस आयुक्त डी शिवानंदन ने कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम समय में इतने अच्छे काम की शुरुआत यह होगी। 2017 में दिसंबर में मुंबई के लोअर परेल रेलवे स्टेशन के बाहर पंडाल लगाया और इसकी शुरुआत की गई थी। करीब 10 लोगों की मदद से इसकी शुरुआत की गई थी। जब शुरू किया था तब पैसे भी नहीं थे, एक मित्र ने गाड़ी दी थी और उसी से शुरू किया था। अब मुंबई में कुल 10 गाड़ियां हैं और 11वीं गाड़ी नागपुर में दी गई है। उन्होंने कहा कि 2004 में वे नागपुर में पुलिस आयुक्त थे। उन्होंने कहा कि नागपुर का स्वादिष्ट खाना होने की वजह से ही नागपुर को उन्होंने चुना है। उनके अनुसार इंडिया 3 ट्रिलियन डॉलर का देश है। एक साल के बाद चीन से ज्यादा जनसंख्या भारत की होगी। भारत काफी शक्तिशाली देश है लेकिन इतना होने के बावजूद भी रोजाना 20 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। हमारे पास खाना है लेकिन मिसमैनेजमेंट के कारण और खाने की बर्बादी के कारण लोगों को खाना नहीं मिल पाता है। कई टन खाना रोजाना होता है। उन्होंने कहा कि उचित जरूरतमंद और बच्चे और लोगों को पहचानो और उन तक खाना पहुँचाए। उन्होंने कहा कि अब तक वे 10 लाख लोगों को खाना खिला चुके हैं। मुंबई में जिन स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं हम वहां भी जाकर खाना देते हैं। मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में 500 लोगों को खाना खिलाते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग फ्रेश खाना बनाकर भी देते हैं। 1 जनवरी से हमारे एनजीओ ने एक किचन शुरू किया है। एनजीओ में काम करने वाले कर्मी, ड्राइवर और सभी का वेतन वे एनजीओ के माध्यम से देते हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर में प्रसन्ना चौधरी विस वॉलंटियर की मदद से यहां काम करेंगे। ये रोटी बैंक कॉन्सेप्ट है, एक फूड रेस्क्यू मिशन है। जहाँ पे खाना ज्यादा होता है और वेस्ट होता है, ये रेस्टोरेंट बोलिए, प्लेसेस ऑफ फंक्शन बोलिए, मैरिजेस बोलिए, ऑफिस पार्टी और एनिवर्सरी, कहीं भी एक फंक्शन होता है, गेट टुगेदर होता है, वहाँ लोग डाइटिंग की वजह से कोई खाते नहीं है आजकल, और इसलिए बहुत सारे खाना वेस्ट होता है और होटल में सारे कंपोस्ट पिट में डालते हैं और किसी को दान नहीं देते हैं। सो इतना खाना जो वेस्ट होता है वो 200 मिलियन इंडियंस गोइंग विदाउट फूड एवरी डे। सो हमने सोचा ये जो इतना खाना वेस्ट होता है उनको हम ले लेंगे तो वी कैन गिव इट टू दी पुअर पीपल एंड वी कैन मिटिगेट। और दूसरा आइडिया है अगर स्कूल्स में देंगे, छोटा सा जो गरीब वर्गीय चिल्ड्रन पढ़ाई करते हैं वहाँ दिया तो भले हो उनको मिड डे मील में एक मील मिलता है और एक मील हम देते हैं तरी ही वाई वी कैन गिव देम एंड रिटेन द चिल्ड्रन इन द स्कूल। वही आइडिया है सो दैट वो उनका अच्छा हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा और एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है मुंबई में वो 75,000 स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं और उनको भी अगर हमने कुछ ऐसा कुछ कार्रवाई किया तो दे कैन गेट अवे फ्रॉम क्राइम, फ्यूचर क्राइम नहीं होगा और कंट्री का भी भविष्य जो है वो बदल देगा। इस वजह से हमने शुरू किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।